हेलो गाइस, सीटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है। जी क्यू आर डब्ल्यू एंड ई आर सीटिंग इन ए स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट है बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, फेसिंग साउथ, साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं दोस्तों। मीन्स क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, साउथ नीचे है तो ऐसे जाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अगर ऐसा नीचे देख रहे हैं अपन, समझ जाइए मैं ऐसे खड़ा हूं और मैं नीचे देख रहा हूं, मेरा लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट। ठीक है, समझ गए दोस्तों। देखो नेक्स्ट, जी सीट्स बिटवीन क्यू एंड आर। ठीक है, जो जी है वो क्या है, क्यू एंड आर के बीच में बैठा है। समझ जाइए, क्यू इधर भी रह सकता है, ठीक है, आर इधर, या फिर क्यू इधर रहेगा या इधर रहेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखते हैं। डब्ल्यू डू नॉट सिट इन द मिडल। डब्ल्यू क्या बोल रहा है दोस्तों, मिडल में नहीं है बोल रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एंड इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, आगे देखते हैं, क्यू एंड ई ऑक्यूपाई द एक्सट्रीम पोजिशन। ऑक्यूपाई एक्सट्रीम पोजिशन मीन्स क्या होगा दोस्तों, दो एंड के पोजिशन में है। ठीक है, समझ जाइए, इधर ई है और इधर, समझ जाइए दोस्तों। देखो इधर क्यू था ऑलरेडी, तो हमने क्या किया, समझ जाइए, इधर ई कर रहे हैं। ठीक है, इधर क्यू है तो इधर ई कर रहे हैं, समझ गए दोस्तों। एक्सट्रीम पोजीशन मींस एंड पे है, कौन, क्यू एंड ई, क्यू इधर एंड पे है, ई इधर एंड पे, देखो यहाँ पे भी सेम। ठीक है, देखते अभी देखो, यहां तक हुआ था डब्ल्यू डू नॉट सीट इन द मिडल पोजिशन। डब्ल्यू क्या रहेगा दोस्तों, मिडल पोजिशन में नहीं रहेगा, एंड इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ई यहाँ पे है तो लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा दोस्तों, मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे W, यहाँ पे इधर W नहीं लिख सकते अपन, क्योंकि ऑक्यूपाई एक्सट्रीम पोजीशन बोला ई आखिरी में चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल। ठीक है, ये बन रहा है अपना। देखो उसके बाद क्या लिखा है, क्यू एंड ई ऑक्यूपाई द एक्सट्रीम पोजीशन, हु सीट्स मिडल ऑफ द रॉ। क्या लिखा है दोस्तों, हु सीट्स मिडल ऑफ द रॉ, इसको देखे, इधर टू पेयर है, इधर टू पेयर है, अकेला कौन है दोस्तों, आर, इसलिए आंसर किसके जाएगा, आर के साथ, आंसर इज इक्वल टू आर। आर का बैठा दोस्तों मिडल में बैठा है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो क्या दिया है, दी फाइव फ्रेंड्स पी क्यू आर एस एंड डी, कितने लोग हैं दोस्तों, फाइव, आर सिटिंग इन वन लाइन फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन मीन्स ए डायरेक्शन हो जाएंगे, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट, ठीक है, इधर लेफ्ट हो जाएगा, कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। देखो नेक्स्ट क्या लिया है, दिया है एस इज सिटेड बिटवीन टी एंड क्यू, जो यहां से दोस्तों वो क्या है, टी एंड क्यू के पीछे बैठे, टी इधर रह सकता है, क्यू इधर रह सकता है, या क्यू इधर रह सकता है, टी इधर रह सकता है। ठीक है, देखो क्यू इज सिटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, जो क्यू है दोस्तों लेफ्ट साइड में बैठा है, अपना लेफ्ट ए हो गया तो आर यहाँ पे आ जाएगा, ये कैंसल हो गया, क्यू के राइट में चले जाएंगे। ठीक है, अगर आर यहाँ पे लिखे तो क्यू राइट में आएंगे, पर आपने पूछा क्या है, लेफ्ट। ठीक है, इसलिए ये समझ जाइए कैंसल। ये देखते हैं, एंड पी इज सिटिंग टी नियरेस्ट टू द लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, समझ गए, जो पी है दोस्तों वो क्या है, कहां पे बैठा है, टी के पास में बैठा है, यानी मीन्स लेफ्ट में बैठा है, तो क्या पे कहां आ जाएगा, पी यहाँ पे। ठीक है, हो गया लेफ्ट में पी। इसके बाद देखो नियरेस्ट टू द लेफ्ट ऑफ लेफ्ट, ठीक है, यहां तक हो गया। Who is sitting in the middle? अभी इसको देखे अगर दोस्तों ध्यान से, तो क्या दिख रहा है दोस्तों, जो यस है वो बीच में दिख रहा है, ये दोनों का पेयर हो गया, इधर दोनों का पेयर हो गया। ठीक है, बीच में कौन बैठा है दोस्तों, एस, इस, ठीक है, इसलिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, यस के साथ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं गाइस, क्या पूछा अपने को, हु इज सिटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ बी, बी के बाजू में राइट में कौन बैठा है अपने को ढूंढना है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी एंड एफ, कितने लोग हैं दोस्तों, सिक्स लोग हैं। ठीक है, आर सिटिंग इन वन लाइन, एक लाइन पे खड़े हैं। ठीक है, एंड ई एंड एफ आर सिटिंग इन द मिडल, जो ई और एफ है दोस्तों वो क्या है, बीच में बैठे हैं, तो कौन किधर है अपने को बताया नहीं है। ठीक है, इसमें दो कंडीशन बन जाएंगे ऐसी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, एंड ए एंड बी आर सिटिंग ऑन बोथ इंड, ए एंड बी क्या है दोस्तों, सिटिंग ऑन द बोथ इंड है। ठीक है, देखो दोनों एंड पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, समझ जाए दोस्तों, ऐसे बने। ठीक है, अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इधर बी लिख लो,
इधर ए लिख लो, ठीक है, बताया नहीं अपने को, अपन किधर भी लिख सकते हैं, ठीक है, दो कंडीशन बन रही है। नेक्स्ट देखो, सिटिंग ऑन बोथ एंड ऑफ द लाइन, सी इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, जो सी है दोस्तों वो क्या है, लेफ्ट में है ए के, ठीक है। यहाँ पे अगर दोस्तों अपन लेफ्ट में सी को लिए इधर आ जाएगा, पर अपने क्या कुछ बोला, बोला यहाँ पे बोथ एंड पे ए एंड बी, ठीक है, इसलिए ये कंडीशन क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट एक कंडीशन बन रही है दोस्तों, देखो सी इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है, ए यहाँ पे, ए का लेफ्ट ये हो जाएगा, मीन्स सी यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए दोस्तों। देखो अभी वो बचा कौन सा लोग है, एक दो तीन चार पांच, पांच लोग हो गए, एक एक लोग बचा है, ठीक है, डी बचा है दोस्तों, तो डी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं उसको, ठीक है, डी बताया नहीं अपने कहाँ पे, तो अपन वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इसको अच्छे से देखे दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज सिटिंग ऑन द राइट साइड ऑफ बी, बी यहाँ पे बैठा है दोस्तों, तो उसके राइट साइड पे कौन है, डी है, ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। नोट डाउन कर लो गाइस। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल गाइस क्या दिया, देखो दी सिक्स मेंबर ऑफ ए पैनल सिटिंग इन ए रॉ, एक रॉ है दोस्तों, उसमें कितने मेंबर बैठे हैं, सिक्स, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखते हैं, रॉ है दोस्तों, एक रॉ है, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट, इधर राइट, ठीक है। देखो एक्स इज टू बी लेफ्ट ऑफ क्यू, जो एक्स है दोस्तों वो क्या है, क्यू के लेफ्ट में है, ठीक है, ऐसे आ जाएंगे, दो कंडीशन बन रही है, दो कंडीशन देखते हैं, ठीक है। देखो बट ऑन द राइट ऑफ पी, बट ऑन द राइट ऑफ पी, ठीक है, जो पी एक्स, एक्स क्या है दोस्तों, क्यू के लेफ्ट में है, पर क्या है, पी के राइट साइड में, तो पी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिखा था दोस्तों, देखो ठीक है, राइट ऑफ पी इतना हो गया। देखो वाई इज ऑन द राइट ऑफ क्यू, वाई इज ऑन द राइट ऑफ क्यू, क्यू यहाँ पर, क्यू यहाँ पे दोस्तों, तो वाई कहाँ पे आ जाएंगे, फिर उसके राइट में, ठीक है, ये हो गया। बट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ जे, वाई के लेफ्ट, वाई के लेफ्ट में कौन है दोस्तों, देखो बट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ जेड, ठीक है, जेड को यहाँ पे लिख लेंगे, जेड के बाद में क्या आ जाएंगे, लेफ्ट में वाई आ जाएंगे, ठीक है, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया दोस्तों। इसके बाद देखो जेड इज टू द लेफ्ट ऑफ आर, जो जेड है दोस्तों वो किसके बाजू में है, आर के, यानी आर के बाजू में जेड आ गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट, फाइंड द मेंबर हु आर सिट एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड क्या होगा दोस्तों, देखो ये जो है दोस्तों एक्सट्रीम एंड हो गई, ठीक है, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, ठीक है, लास्ट में कौन है, पी एंड आर, ये क्या हो गई, एक्सट्रीम पोजिशन, ठीक है, ये कंडीशन की यूज नहीं पड़ेगा, तुम्हें नीचे मिटा देते, ठीक है, कौन है दोस्तों एक्सट्रीम एंड में, पी एंड आर, ये क्या ऑप्शन में, देखो सी है, सी इज द फाइनल आंसर, नोट डाउन कर लो। देखिए गाइस नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइव एथलीट ए बी सी डी एंड ई पार्टिसिपेट इन द रेस, फाइव एथलीट है दोस्तों, उन्होंने क्या किया है, एक रेस में हिस्सा पार्टिसिपेट किया, ठीक है, ठीक है। देखो चलो नेक्स्ट चालू करते दोस्तों, क्वेश्चन देखो, बी फिनिश बिफोर थ्री एथलीट एग्जैक्टली, ठीक है, वन टू थ्री, यहाँ पे बी लिख सकते अपन, ठीक है, बिफोर थ्री एथलीट, ये हो गया। सी एंड ए फिनिश नेदर फर्स्ट और नॉर फिफ्थ, जो सी है दोस्तों वो क्या फर्स्ट में भी नहीं है और ए क्या है लास्ट में भी नहीं है, ठीक है। डी डिड नॉट फिनिश एट लास्ट, डी तो लास्ट में है ही नहीं कि अपने को यहाँ पे बताया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सी फिनिश बिफोर ए, जो सी है दोस्तों वो क्या है, ए के पहले है, ये अपने को यहाँ पे लिखा है, ठीक है, सी फिनिश बिफोर ए, इतना हो गया दोस्तों। इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखो कौन सी लाइन अपने स्किप की थी, डी ए वाली, डी डिड नॉट फिनिश एट लास्ट, डी लास्ट में नहीं है तो फर्स्ट में रह सकता है, ठीक है, ऑलरेडी कॉमन सी बात है। अभी कौन सा बचा दोस्तों, चार हो गए पार्टिसिपेट, एक पार्टिसिपेट बचा है ई, तो ई को क्या करेंगे अपन दोस्तों, लास्ट में रख देंगे, ठीक है, हो गया, ई का कुछ दिया नहीं था तो अपन उसने लास्ट में लिख लिया, ठीक है। देखो उसके बाद क्या पूछा दोस्तों, हु कम थर्ड, थर्ड में कौन आएगा, ये अपने को पूछा गया है। देखो ये पार्टिसिपेट वाले लड़के दोस्तों, देखो इधर से जाएंगे वन टू और थ्री, इधर से भी जाएंगे दोस्तों वन टू और थ्री, तो कौन बैठा है दोस्तों बीच में, एंड थर्ड में कौन बैठा है, उधर से भी देखेंगे थर्ड वही है, इधर से भी देखेंगे थर्ड वही है, कौन सा है, सी, सी इज द फाइनल आंसर, बी आंसर है दोस्तों, सी अपना वर्ड बनेगा।